गन कल्चर ते गीतां दे विच हथियारां दा जिक्र ये मामला पिछले काफ़ी महीनों तो भखदा पिया ते हुण एक होर अपडेट सामने आया जिसने दो नामी कलाकारां नूं एक सिंगर ते एक म्यूजिक प्रोड्यूसर उसनूं अपनी लपेट दे विच लै लिया ते किहड़े सिंगर ने की मामला है ये जानना जरूरी है। सब तो पहला गल करांगे हैप्पी रायकोटी दी ते उस तों बाद मनकिरत औलख दी। ये दो ओ नामी शख्सियतां ने पंजाब दियां पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नाल जुड़ियां हुई जिन्हां दे खिलाफ हुण पुलिस एक्शन होण जा रहा है। हाल ही विच मिली जानकारी अनुसार पंजाब के जलंधर तो रहण वाले एक कमिस्ट्री टीचर वालों जिसका नाम मनदीप सिंह है उन्हां वालों ये शिकायत जिहड़ी है वह दर्ज कराई जाती है DSP दे कोल, यानी कि सब तो पहला हैप्पी रायकोटी ते फिर मनकिरत औलख की वारी आउंदी है ते अप्रैल महीने के नज़दीक ये शिकायतां जिहड़ियां दर्ज कराईआं जांदियां ने ते उसके आधार के उत्ते हुण जे गल करिए पुलिस प्रशासन की तो उन्हां वालों मनदीप सिंह नूं बुलाया जांदा है, उन्हां दे बयान विच लिखवाए जाते हैं, बयान दर्ज होंदे ने तो उस तो बाद हुण पुलिस अगली कार्रवाई वल नूं निगाह करती पई है। जे गल करिए गन कल्चर की तो बीते कुछ महीनों के गन कल्चर नाल संबंधित जिन्नियां भी गल्लां सामने आईयां जिन्ने भी मामले सामने आए प्रशासन वल्लों फौरी तौर पर उस उत्ते एक्शन लिया गया, वह भावें सिंगर होण भावें कलाकार होण गीतकार होण या फिर आम लोग होण जिहड़े सोशल मीडिया के उत्ते हथियारां की प्रमोशन कर रहे सी जिहड़े सोशल मीडिया से हथियारां वालियां वीडियोज़ या फोटोआं पा रहे सी उन्हां दे खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन किया गया। हालांकि इसकी निंदा भी की गई इसका विरोध भी किया गया जदों 10 साल के बच्चे के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता उसके पिता को बुला लिया जाता है गन कल्चर प्रमोट करन दी गल आखी जाती है। खैर इस पूरे मामले नूं लैके हुण मामला दुबारा भखदा पिया है। जे गल करिए जलंधर दी पंजाब दे जलंधर दी तां जलंधर दे एक कमिस्ट्री दे टीचर ने जिहड़े ट्यूशन बच्चों नूं पढ़ाउंदे ने ते मनदीप सिंह वल्लों ये शिकायत पहला DSP जलंधर नूं सौंपी जाती है ते उस तों बाद प्रशासन वल्लों बुला ले जांदे ने मनदीप सिंह ते मनदीप सिंह दे बयान जिहड़े ने उह दर्ज करवाए जांदे ने ते आउण वाले वक्त दे विच हुण अगाह कार्रवाई भी करन दी गल कीती जा रही है। मनदीप सिंह दा अपने बयानां च इह भी कहना सी कि कानून मुताबक जे कोई गन कल्चर प्रमोट करदा है तो फौरी तौर ते उस ते एक्शन बनता है तो किया जा सकता। खैर तुम दस दिए कि दो गीतों का जिक्र किया गया जे हैप्पी रायकोटी ते मनकिरत औलख की गल करिए इन्हां दो गीतों कारण वो जिहड़ी मामले दे विच फसदे नज़र आ रहे ने। मनकिरत औलख ते हैप्पी रायकोटी दीआं जिहड़ीआं मुश्किलां ने वो वधदीआं नज़र आ रहीआं ने। हैप्पी रायकोटी दे गाने फोटोशूट ते मनकिरत औलख दा जिहड़ा गाना है राइज एंड शाइन ये दो गाने ने जिन्हां नूं लैके विवाद भड़किया ते मनदीप सिंह जिहड़े कमिस्ट्री दे टीचर ने उन्हां वल्लों मामला दर्ज करवा दिता जांदा है। थाना डिवीजन 2 दे विच मामला दर्ज हुंदा है ते इस मामले नूं लैके शिकायत पहली पहलां DSP दे कोल पहुँचती है। DSP तो बाद दोनों शिकायतों के आधार के उत्ते ये मामले नूं लैके हुण अपने जिहड़े बयान ने वचनबद्ध करा के आउंदे ने मनदीप सिंह प्रशासन दे कोल पुलिस दे कोल हुण अगाह कार्रवाई करन दी जिहड़ी गल है उह कीती जा रही है। मनकिरत औलख ते हैप्पी रायकोटी दीआं मुश्किलां वधदीआं नज़र आ रहीआं ने। इस दे विच शिकायतकर्ता मनदीप सिंह दा की कहना सी ते प्रशासन वल्लों जां पुलिस अधिकारी दा की कहना सी आओ वो भी सुन लैंदे हां। जी हैप्पी रायकोटी दा सोंग सब तो पहला आया सी फोटोशूट जिहदे विच उहने गन्स दे कल्चर नूं बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया ते वॉयलेंस नूं हाईलाइट किया कि रख्या ना असला गबरू ने फोटोशूट नूं। ये सोंग आया तो उदों मैं एक दरखास्त जलंधर पुलिस कमिश्नर नूं दित्ती सी जिहदा नंबर 1278 DCP मार्क होया सी साइबर सैल नूं ते उस तो बाद 2 नंबर थाने पहुँची पर उहदी अजे तक कार्रवाई कोई नहीं हुई सी। उस तो बाद फिर नाल ही बैक टू बैक एक गाना मनकिरत औलख दा राइज एंड शाइन जिहड़ा आया उहदे विच मनकिरत औलख ड्रग्स प्रमोट करदा दिख रहा जिहदे विच उह सूटा ला रहा पहला स्टार्टिंग च गाने दी प्लस वह भी गन कल्चर नूं बहुत ज़्यादा मोटीवेट कर रहा प्रोवोक कर रहा। तो जिवें कि मानयोग हाईकोर्ट के हुक्म है वॉयलेंस ते सरकार जिवें कि बहुत ज़्यादा टेंजिबल है रिगार्डिंग गन कल्चर। पिछे जी इलैक्शनां सीगियां मैनूं सीगा शायद पुलिस उत्थे बिजी है तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही सी पर DGP साहब वालों 12 अप्रैल में मैं दरखास्त भेजी सी मनकिरत औलख के खिलाफ बड़ी तेजी नाल करदे हुए उन्होंने 2 नंबर थाने जलंधर भेज दी जिहदे लई मैनूं अज उत्थे बकायदा बुलाया गया सी ते मेरे बयान कलमबद्ध किए गए ने ते जिहदे विच मैं यह बयान दिता है कि मानयोग CWP 62-13 के अनुसार हाईकोर्ट की डायरैक्शन के अनुसार कोई भी गायक किसी तरीके की वॉयलेंस नूं प्रवोक ग्लोरीफाई नहीं कर सकता प्लस गन कल्चर नूं प्रमोट नहीं कर सकता। सो इन्हां दोनों सोंग्स दे विच तुसीं अज भी यूट्यूब चल रहे मैं हैरान हाँ ये बंद क्यों नहीं होया अज तक तो यूट्यूब तो चके जाने चाहिए। सिद्धू मूसेवाल का गाना SYL आया से मिंट लगा सीगा बंद हो गया सी पर मैनूं पता नहीं पंजाब सरकार क्यों नहीं एक्शन लै रही है चीज़ से। अज चलो मैं धन्यवाद करता DGP साहब का कि बड़ी तेजी नाल हुण मैनूं इस
उम्मीद है कि इस पासे कार्रवाई होंगी। तो जिवें कि मैनूं अज एक तसली बख्श कहा गया है कि जल्दी ही असीं मनकीरत नूं जलंधर 2 नंबर थाने बुलाने जा रहे हैं, तो उहदे भी बयान ले जाणगे, तो जे एज पर लीगल उन्हां ते परचा भी बनता होया तो आपां परचा करांगे। साडी कोई जानी दुश्मनी किसी नाल भी नहीं हैगी, बट फॉर द क्लीनिंगनैस ऑफ सोसाइटी आई वॉन्ट दैट कि इट शुड बी स्नब्ड, इट शुड बी स्टॉप्ड इन द फ्यूचर। कोई भी सिंगर चंगे गाने गावे, सरताज भी गा रहा, कंवर गरेवाल भी गा रहा, होर कई सिंगर चंगे चंगे गाने गा रहे हैं। सो मैं मनकीरत औलख ते हैप्पी रायकोटी तो भी उम्मीद करांगा ये चंगे गाने गाणगे, नहीं तो एज पर लॉ दे आर अंडर द दे मस्ट बी गो बिहाइंड द वट एवर द थिंग्स एज पर लीगल। सर मनकीरत औलख ते हैप्पी रायकोटी के खिलाफ कंप्लेंट आई हैं, उस संबंधी उन्होंने बुला के बयान कलमबंद किए गए हैं। बयान कलमबंद करने तो बाद हैप्पी रायकोटी मनकीरत औलख को भी शामिल तो पड़ताल किया जाऊगा, जो भी कार्रवाई बंद होगी डी लीगल रह भेजी जाएगी, मोबाइल नंबर पता करके तो फिर करके बुलावे। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।